एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज द ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो मैटर है वो दो टाइप के बिहेवियर्स को शो करता है, ठीक है। सो कौन से दो टाइप के बिहेवियर को मैटर शो करता है आयन, हम वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज द पार्टिकल बिहेवियर, लाइक जो मैटर है वो ऐसे बिहेव करता है लाइक पार्टिकल की तरह, ठीक है। एंड सेकेंड बिहेवियर इसका होता है वेव की तरह, लाइक दिस, जो वेव फॉर्म करता है। सो ये तो टाइप्स के बिहेवियर होते हैं मैटर के, तो इन्हें हम फर्दर चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम पार्टिकल नेचर में कुछ इफेक्ट्स करेंगे, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विच वॉज गिवन बाई द हर्ट्ज एंड आइंस्टाइन्स इक्वेजन, ओके, दैट वी आर डिस्कसिंग फर्दर इन द वीडियो। सो फर्स्टली यू हैव टू नो सम नॉलेज ऑफ सम बेसिक्स, ओके। सो फर्स्टली क्या है इलेक्ट्रॉन एमिशन? इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या है, जो मेटल का सरफेस होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये कोई भी चीज़ ले लो, अगर एटम ही ले लो किसी चीज़ में, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ मूव करते हैं लाइक दिस, ये कोई मेटल का सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ रहे हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जब लीव आउट कर जाते हैं सरफेस को, तो उसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड नाउ द वर्क फंक्शन, सो द मिनिम, सो ऐसे तो होता नहीं कि सिंपली मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव आउट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, कुछ लाइट जो है वो मेटल के सरफेस पे फॉल करवानी पड़ती है। जब ये वाली लाइट मेटल के सरफेस पे फॉल करेगी तब भी इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी मेटल के सरफेस से, और ये जो लाइट हम फॉल करवाएंगे ना, इसका भी क्या होता है, कोई एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, और ये अलग अलग मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वर्क फंक्शन। सो इसमें क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इजेक्ट मीनिंग एमिट करना, इलेक्ट्रॉन को बाहर करना, लीव आउट कर देना। सो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है हमें आउट ऑफ द मेटल सरफेस से, बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। और जो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, ठीक है। अगर हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी वर्क फंक्शन को चाहिए, जितना वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का होगा उतनी नहीं सप्लाई करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन की एमिशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। और इसमें क्या है, वर्क फंक्शन को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसके यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जाउल। आई रिपीट, दिस इज अ जाउल, बिकॉज कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ये चार्ज की वैल्यू भी होती है, उसके नीचे हम साथ में हम यूनिट्स कूलम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, तो इसमें 1.6 × 10⁻¹⁹ जाउल्स आएगा, ओके। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या है, सपोज ये एक मेटल है, मेटल का सरफेस है, इस पर हम लाइट फॉल करवाते हैं, ठीक है, लाइट हम यहाँ से फॉल करवाते हैं मेटल के सरफेस पे। तो जब लाइट मेटल के सरफेस पे फॉल करती है तो क्या होता है, जो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर की तरफ एमिट होने लगते हैं, ठीक है, लाइक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एमिट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, लाइट जो हम क्या करते हैं मेटल के सरफेस पे फॉल करवाते हैं, एंड देन मेटल में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, ठीक है। सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वॉज फर्स्टली गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम्ड हर्ट्ज, ओके। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ये कंसेप्ट दिया था इन 1887 में। सो इसमें क्या है, सिंपली मेटल के सरफेस पे लाइट फॉल होगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ एमिट होते हैं, लीव आउट करते हैं मेटल के सरफेस को। सो अब हम इसकी डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देखिए, इट इज जस्ट द फिनोमिना ऑफ
द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो रही है फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती कब है, व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल अपॉन इट। लाइक जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल के सरफेस पे फॉल करती है। ये ऐसे नहीं कि कोई भी लाइट फॉल कर दो मेटल के सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए। उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब हम पर्टिकुलर मेटल पे स्ट्राइक करते हैं या फॉल करवाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म दैट इज द सूटेबल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है टू कॉज द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फोटो मीन्स लाइट। तो पहले हम लाइट को क्या करेंगे, मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करवाएंगे, एंड देन इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एमिट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल वे जिससे आप क्या कर सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिमेम्बर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमने दो प्लेट्स ली है, एक प्लेट पी है हमारी, ठीक है, और एक सी प्लेट है। दिस इज द पी प्लेट एंड दिस इज द प्लेट सी। तो जो हमारी प्लेट पी होती है ये हमारी एमिटिंग प्लेट होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को एमिट करेगी, और सी जो होती है वो कलेक्टिंग प्लेट होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करती है, ठीक है। तो इसे आप पी वाली प्लेट को फोटो सेंसिटिव प्लेट भी बोलते हैं, और इसे हम कलेक्टिंग प्लेट या फिर कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो W है दैट इज द विंडो। इस यू शेप की ट्यूब पे हमने एक विंडो रखी है, इस विंडो से क्या होगा, इस विंडो से जो लाइट है वो इंसिडेंट करेगी, ठीक है। जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो वो इस पी वाली प्लेट के साथ स्ट्राइक करेगी। जब लाइट इंसिडेंट लाइट पी प्लेट के साथ स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, जब पी प्लेट एमिटिंग, हमने क्या कहा, एमिटिंग प्लेट है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी टुवर्ड्स दी दिस डायरेक्शन। और सी हमें बताइए वो कलेक्टिंग प्लेट है, वो तो चाहता ही है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और कलेक्ट कर लेगा, ठीक है, सी प्लेट वाला। सो ये तो हो गया इसका प्रोसेस। सो अब आप बोलोगे तो ये हमने इतना बैटरी रेजिस्टर वोल्टमीटर ये सब क्यों लगाया, इसकी क्या जरूरत थी। सो इसके बिना बेसिकली एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, और ये हम डिस्कस करते हैं। लाइक ये हमने लगाया है माइक्रो एमीमीटर। एमीमीटर हमने क्या होता है, जो करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को हम मेजर करते हैं। सो माइक्रो एमीमीटर से हम करंट को मेजर करेंगे, ठीक है। करंट क्या, लाइक देखो जब लाइट विंडो से पी प्लेट पे जाएगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कलेक्टर सी की तरफ मूव करेंगे, और ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे दीज आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, कलेक्ट हुए हमारे पास, ओके। एंड जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे सर्किट में बाद में मूव करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट, एग्जैक्टली। तो करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे ये माइक्रो एमीमीटर का यूज किया है, ठीक है, सर्किट में। एंड देन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का हमने क्यों यूज किया, बिकॉज इसमें क्या है, वोल्टमीटर के थ्रू हम जो पी वाली प्लेट है उसे हम जीरो पोटेंशियल पे रखते हैं, ठीक है, इसका पोटेंशियल हम जीरो पे मेंटेन करते हैं। भी ये न्यूट्रल है, ना तो ये पॉजिटिव है इसका पोटेंशियल और ना ही नेगेटिव है। और जो सी वाली प्लेट होती है ना, इसे हम अपनी मर्जी से किसी भी टाइप के पोटेंशियल पे रख सकते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, ठीक है। तो उसके लिए अब सी यहाँ से, तो हमने वोल्टमीटर वोल्टेज को नोट करने के लिए, ठीक है, अटैच किया है। तो अब इस बैटरी की क्या हमें ज़रूरत थी, सो बैटरी, अब हमने कहा कि सी को वाले प्लेट को हमें एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे रखना है, ठीक है, वो हमारी इच्छा है कि हम उसे पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखना चाहते हैं या नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, सी को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है, कैसे, बिकॉज ये देखिए ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैंने सर्किट में सी प्लेट के साथ अटैच किया है थ्रू दिस सर्किट, ओके। सो ये नेगेटिव पोटेंशियल सी की तरफ है, इट मीन सी को मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल पे मेंटेन किया है, ठीक है, और
पी को मैंने जीरो पोटेंशियल पे मेंटेन किया है। पी का हमें फिक्स है कि पी प्लेट को जीरो पोटेंशियल पे ही रखना होता है और सी वाली प्लेट को हम नेगेटिव पोटेंशियल पे भी रख सकते हैं, ये हमारी विश है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो बैटरी है सिंपली इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करना होगा। यहाँ पे जो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इसे नेगेटिव पोटेंशियल पे रखना है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, जो बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देना है। तो सिंपली ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें विंडो से लाइट फॉल करती है प्लेट पी पे और इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और कलेक्टर प्लेट क्या करती है, कलेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, और उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में पूरे के पूरे मूव करते हैं तो वो करंट जनरेट करते हैं और उस टाइप के करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट, और उसे मेजर करने के लिए हमने माइक्रो एमिटर का यूज किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें ना कुछ फैक्टर्स भी हैं जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो, ठीक है, इफेक्ट करते हैं, लाइक इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, पोटेंशियल, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। एंटिल देन, बाय बाय।